ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला सोलन के निर्मल ग्राम पंचायत नोणी, जहां कई मायनों में अन्य पंचायतों के लिए एक मिसाल बनी हुई है, वहीं अब इसी पंचायत के अणु गांव को एक मॉडल विलेज के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसके तहत गांव में सिंचाई योग्य पानी को पूरी तरह से संरक्षित किया जा सकेगा और हर घर को सिंचाई योग्य पानी की एक पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा। ये संभव हुआ है भू संरक्षण विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। जिला सोलन के निर्मल ग्राम पंचायत नोणी, जहां कई मायनों में अन्य पंचायतों के लिए एक मिसाल बनी हुई है, वहीं अब इसी पंचायत के अणु गांव को एक मॉडल विलेज के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसके तहत गांव में सिंचाई योग्य पानी को पूरी तरह से संरक्षित किया जा सकेगा और हर घर को सिंचाई योग्य पानी की एक पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा। ये संभव हुआ है भू संरक्षण विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। आपको बता दें कि भू संरक्षण विभाग द्वारा इस गांव के हर घर को एक एक बीघा खेत के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं हर घर को सिंचाई के लिए पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा। वहीं गांव में विभाग द्वारा 1,00,000 लीटर की क्षमता वाला सिंचाई टैंक भी बनाया जा रहा है, जिसके जरिए सिंचाई योग्य पानी किसानों के खेतों तक दिया जाएगा। इस योजना के लिए भू संरक्षण विभाग द्वारा 10,00,000 रुपए की राशि खर्च की जा रही है। इस योजना के तहत आने वाले दिनों में न सिर्फ इस गाँव में पानी का पूर्ण रूप से संरक्षण हो सकेगा, बल्कि कृषि के क्षेत्र में इस गांव को एक मॉडल विलेज भी बनाया जा सकेगा। वहीं पंचायत प्रधान बलदेव सिंह ने बताया कि पंचायत के अणु गांव को भू संरक्षण विभाग द्वारा 10,00,000 रुपए की एक योजना के तहत जोड़ा जा रहा है, जिसमें गांव के लिए 1,00,000 लीटर पानी की क्षमता वाला सिंचाई टैंक बनाया जा रहा है, जिसके जरिए गाँव के हर घर को पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा और इतना ही नहीं, गाँव के हर किसान को एक एक बीघा खेत के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे ना तो इस गांव में जहां पानी की बचत होगी, वहीं उतना ही पानी कृषि में उपयोग होगा जितना आवश्यक है। इससे इस गांव को कृषि के क्षेत्र में एक मॉडल विलेज बनाने में भी सहायता मिलेगी। निर्मल ग्राम पंचायत नोणी के अंतर्गत आज हम यहाँ अणु गाँव में है। हिमाचल प्रदेश में कृषि विभाग के माध्यम से भू संरक्षण विभाग अर्की की तरफ से यहाँ पर 10,00,000 रुपए की लागत से एक योजना, जिसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, एक सिंचाई टैंक और यहाँ 1 किलोमीटर में फैले इस गांव में, जिसमें 15 परिवार है, सभी घरों को इसमें पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा और हर एक 15 परिवारों के घर में एक एक बीघा खेती के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम फिट किया जाएगा। इससे जहाँ पानी की बचत होगी, वहीं कृषि में पानी की उपलब्धता जो जितनी ज़रूरत है ड्रिप के अनुसार, उतना ही पानी उसमें खर्च होगा जितनी फसल को ज़रूरत है। इससे पानी की वेस्टेज नहीं होगी। इस योजना के आने से इस गांव को एक आदर्श गांव बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत जल्दी ये गांव एक आदर्श गांव के रूप में उभरेगा। यहाँ पर RCC का ये जो टैंक निर्माण हो रहा है, ये 1,00,000 लीटर का टैंक है। इसमें 1,00,000 जल इकट्ठा रहेगा। इसके पीछे एक नेचुरल सोर्स है, जो इस नेचुरल सोर्स के माध्यम से इसको भरा जाएगा और यहाँ से इसको पाइप के माध्यम से 1 किलोमीटर में फैले हर खेत को पाइप से जोड़ा जाएगा और खेतों में फिर ड्रिप लगाई जाएगी।